अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सुभात अहमद खान। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बन रही है रात के 8 बजे, ठीक है। इस टाइम पूरा इस्लामाबाद सो चुका है और मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मैंने कल जाना है ऑटो शो पे और मेरा बाइक रेडी नहीं है, तो बाइक रेडी करना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन इतना बिजी डे था, आपको पता है यहाँ पे होते हैं सारा दिन, तो सैटरडे और संडे ज़्यादा बिजी होता है। तो यहाँ पे अहमद भी मेरे साथ है, ये भी यहाँ पे ख्वार हो रहा था मेरे साथ। तो खैर, हम अपनी बाइक के लिए ख्वार हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बाइक को बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है काफ़ी अरसे से। अहमद का बाइक आपको दिखाता हूँ मैं, और बाइक की ना मैंने सिर्फ स्टिकरिंग करवानी है और थोड़ा सा मिसिंग का इशू कर रहा है। मिसिंग नहीं कर रहा, मतलब कि कुछ कुछ मिसिंग कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो हमने ना सेट करना है। दूसरा, इसको फिर सुबह सुबह मैं वॉश करवाऊँगा, क्योंकि 10 बजे हमने निकलना है यहाँ से, 10:30, उस टाइम इतना टाइम होगा नहीं। तो अभी स्टिकरिंग करते हैं, इधर एक शॉप है उनसे स्टिकर बनवाते हैं शेल्बी के, और थोड़ी सी लुक चेंज करते हैं। बहुत रफ लग रहा है, यकीन करें मेरा बिल्कुल दिल नहीं है इस हालत में बाइक ऑटो शो पे लेके जाने का, लेकिन BAC का ऑटो शो है, HSC पे हम डिफरेंट लुक के साथ जाएंगे। वो लुक आप लोगों को इंशाल्लाह इसी मंथ में देखने को मिलेगी, और इंशाल्लाह इसमें डिले नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इस हालत में मुझे बाइक अब देखा नहीं जा रहा। इसको फ्रेश करूँगा और पता लगे कि यार कोई बाइक है, ठीक है। 1 of 1 नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इसको अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना, सब्सक्राइब करें चैनल को जल्दी से। मैं आपको बाइक दिखाता हूँ, बाइक की हालत दिखाता हूँ, फिर स्टिकरिंग दिखाते हैं और सारा सिचुएशन जो भी पटाखे इंस्टॉल करते हैं बाइक में, फिर आपको अपडेट करता हूँ। नेक्स्ट लेवल अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। मैं आप रोंग रहे बीच में, सिंगल शॉक लगेगा, सिंगल शॉक लाना है ना, या नहीं तो घोड़ काम कर इधर आके नो इधर ला दे बीच में, वैसे लगेगा बीच छोटे लगेगा, ऊंचा नहीं होगा, बीच बीच में ही ठीक है, बीच में ठीक है, बीच में ठीक है। अच्छा बॉयज, तो काफ़ी बिजी डे था, बाइक की तरफ ध्यान नहीं दे सका ऑटो शो के लिए, इसी तरह लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ये लास्ट ऑटो शो होगा जिस पे इस तरह जा रहे हैं, नेक्स्ट में हम न्यू लुक के साथ जाएंगे। अभी एक दो स्टिकर्स बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर बन जाते हैं ठीक है, वरना हम इसी तरह जाएंगे। स्टिकर्स बनवा के आपको लुक्स दिखाता हूँ। तो अभी बिल्कुल बहुत रफ़ है, और बहुत रफ़ है ना पूछें। तो अभी वॉश वगैरह, अभी इसका थोड़ा सा कार्बोरेटर इशू कर रहा था, सफाई सफाई होने वाली है, ट्यूनिंग मैंने नहीं करवाई, तो ये चीज़ें हैं, बाकी देखते हैं। एंटी लैग भी लगाना है इसमें, सो लेट्स सी। मोनो शॉक बना रहे हैं, बहुत बम किस्म का लग रहा है, मैं बता रहा हूँ। अभी सेटिंग करवाने वाले हैं, ऑटो शो तो इसी ने लूटना है, बाकी तो वैसे ही जा रहे हैं। वो एग्जॉस्ट से काफी है। तो यहाँ पे जी हमारा शेल्बी, इसके मैंने स्टिकर उतार दिए हैं इधर से, फ्रंट से, मड गार्ड से, ताकि हम डिफरेंट स्टिकरिंग करें। ये देखिए नज़र उतार रहा है इसकी, तो अभी इस पर स्टिकरिंग करके इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा तैयार करते हैं। सुबह वॉश होगा, अभी बिल्कुल रफ़ है, इस एरिया में मिट्टी बहुत है, खैर मैं ये 600 दफ़ा बता चुका हूँ, उस वजह से मिट्टी की वजह से बहुत रफ़ है। सुबह इसको देखेंगे आप नई हालत में, पॉलिश वॉलिश करके, ठीक है। फिर इंशाल्लाह इस मंथ में इसकी न्यू लुक लेके आएंगे हम, जो कि आपने देखना। यहाँ पर अभी टेल टाइडी भी इंस्टॉल करनी है मैंने नंबर प्लेट के साथ, नज़र के लिए हथौड़ी पीछे लटकाएंगे वेरी नाइस करके, नज़र के लिए जो है उसको हथौड़ी मारेंगे ऑटो शॉप पे, भाई इसको नज़र लगती है तो थोड़ी है। लेट्स सी क्या होता है। लिमिटलेस ऑटो पार्ट्स विजिट करें, संडे ओपन है शॉप, ठीक है। मैं तो नहीं हूँगा, बट यहाँ पे और बॉयज़ होंगे, वो आपको डील करेंगे, और यहाँ से आप जो है हर तरह के पार्ट्स बाय कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से ट्यूनिंग भी करवा सकते हैं, सस्ती से सस्ती ट्यूनिंग है, और फुल डिटेल ट्यूनिंग है, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग विजिट करें, यामा लूप वगैरह अवेलेबल है, हेवलिन है, होंडा है, अभी जिक वगैरह नहीं आया, तो ज़रूर आए यहाँ पे। अच्छा जी, तो बॉयज़ मेरे स्टिकर्स रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देख सकते हैं शेल्वी, ये स्कूप्स के हैं, ये फ्रंट पे लगना है स्क्रीन पे, ठीक है। ये देखता हूँ कहाँ लगाना है, कहीं लगा दूंगा, एंड हियर इट इज़ शेल्बी। ये तुमने उंगलियाँ मारी हैं इस पे, अच्छा नंबर प्लेट, और आपको मैं टेल टाइडी दिखाता हूँ।
ये देखें इसकी साफ उंगलियाँ, इसकी साफ उंगलियाँ देखें आप, टेल टाइडी ठीक है। इसके साथ LED भी होती है, लाइट भी होती है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह ये ना बाइक की लुक को चेंज करेगी। सो लेट्स सी, खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे। ये तो थंडर है जी, ये शेल्बी वाला फिगर है। इस साइड पे तो इस तरह आएगा ना, दूसरी साइड पे उल्टा करके आएगा थोड़ा इस तरह, थोड़ा नीचे लगाऊं, थोड़ा सीधा 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 करके, सीधा करके चिपक गया, बस लगा दे चिपक गया, काम हो गया इसका, ठीक लगा दबा के। क्या बात, अब लोगों को पता तो चलेगा ना शेल्बी ये है, दिस इज द रियल वन। शेल्बी थॉमस शेल्बी, यार ये सीधा लग रहा है, लगा दे एंड में पता लगेगा सीधा लगा या टेढ़ा। लुकिंग नाइस, आगे ही देखी इसकी ना कैप के अंदर आ गई इसके। सही है यार, मैं लगाऊं और सही ना हो ऐसे कैसे हो तो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो सीधा पूरा मेरा बाइक पे आ गया। Shelby font is looking very nice, built not bought by the order of the peak designers. क्या बात है, बहुत मज़ा नहीं तो थोड़ा बहुत मज़ा तो आ ही रहा है। अभी तो यहाँ नंबर प्लेट लगनी है, वो देखो लुक कम। ओके भाई, प्लेट उतार दिया मैंने, ठीक है यहाँ पे टेल टाइडी लगाएंगे। ये देखिए अंदर शॉपर सीन हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सुराख है तो इसमें भी सुराख है देखते हैं अब इसको कवर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ज़्यादा चलाएँगे क्योंकि वॉश होना है, वॉश के बाद ये ख़राब हो जाना है। और यहाँ से टेल टाइडी खोलनी है, एंट्री लैग सेटअप हो रहा है ओनली एट लिमिटलेस ऑटो पार्ट्स, और भी कहीं मिल सकता है लेकिन यहाँ भी मिलेगा आपको तो शेल्बी इज़ गेटिंग रेडी, इंशाल्लाह इसको जो है ना फाइनल लुक आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा रेडी करके इसको ना। हाँ जी भाई, कैसे तासुरात हैं आपके? और जनाब यहाँ पे अहमद का शाहकार, ओ माय गॉड यार लग तो नेक्स्ट लेवल रहा है, लेकिन ना मसला हो गया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मसला हो गया ऑटो शो रेडी करने के लिए जो है स्टैटिक वाइज बना रहे थे, तो पता नहीं कुछ और ही बन गया मोनो शॉक हमारा जो है ना नेक्स्ट लेवल हो गया। असल में ना ये काम सेट हो सकता है लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है, इस टाइम शॉप्स वगैरह भी बंद है, वेल्डिंग शेल्डिंग वाली थोड़ा सा एक्सटेंड करते ना इसको बिल्कुल बेहतरीन हो जाना था। करना ये था कि ये रॉड जो था ना हमने इसको ज्यादा बड़ा नहीं करना था, इसको छोटा रखना था क्योंकि हमारा शॉक जो है वो ज्यादा कंप्रेस हो रहा है। हाँ। इसको हमने छोटा रखना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये शॉक जो है, ये जो रॉड है ये बहुत बड़ा हो गया। बहुत दुख हुआ ब्रो, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, मुझे खुद हो रहा है, कुछ चीज ही मेरी है, मुझे दुख नहीं होता। कोई नहीं, कल GS पे चलते हैं, देखते हैं ये कल पता लगेगा। ओके भाई, तो आपने देखा तैयारियां जोरों शोर से जा रही हैं, बस इस टाइम जल्दी में जो काम हो रहा है ना वो हो रहा है, मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। वो मुझे ना वो फ्रंट पे जो लगाया ना फेस, मैं कर फेस हट जैसे टेक्स्ट लिखा रहे, एट द एंड क्या क्या बंदा कर सकता है, जो है गुजारा करना है इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह इसके बाद हम इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे, आपको अच्छी मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा। दिस इज़ जस्ट कवर अप, मतलब उसको ना जल्दी जल्दी हमने फिनिश करना। सो आप लोग कनेक्टेड रहें, देखते रहें एंटी लैग का काम हो रहा है। बेसिकली एंटी लैग इन बाइक्स में नहीं होता, बट उसको नाम यही दिया गया कि एंटी लैग की तरह वर्क करता है, ठीक है, इन बाइक्स में। तो आप आए लिमिटलेस ऑटो पार्ट्स पर, ये काम आपको भी करके दे सकते हैं और मैं भी करवा रहा हूँ, फिर आपको इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ। और आप मुझे देख रहे, मेरी हालत बिल्कुल थक चुका हूँ मैं, और बस घर जाना है, सुबह दोबारा से वापस आना है। सो लेट्स सी क्या बनता है। टेल टाइडी इंस्टॉल हो रही है जी, इसके लिए फिंगरप्रिंट्स इग्नोर कर दें क्योंकि सफाई होगी सुबह। चेक करें नंबर प्लेट के शश के। ओके बॉयज, शेल्बी इज हियर फॉर द वॉश, और रात को देर तक हम लगे रहे इसके साथ। इसके साथ रात तक हमने मेहनत की है, टेल टाइडी वगैरह लगाई है और स्टिकरिंग वगैरह जो हो सकती थी वो की है। आरजी तो बस वॉश हो जाएगा तो थोड़ा लश हो जाएगा, बाकी ऑटो शो पे मुझे पता है मट्टी होनी है। हाँ जी, ऑटो शो पे मुझे पता है मट्टी होनी है और फ़ायदा कोई नहीं होना, लेकिन स्टिल थोड़ी सी लुक तो आ जाए, बाकी इंशाल्लाह देखते हैं। बाइक इज एज गुड एज न्यू और वॉश हो चुका है जी। वॉश के बाद बस एक ही खतरा होता है, पानी शानी अंदर जाता है और एंड टाइम पे बाइक मसले शुरू कर देता है। सो लेट्स सी, फिल्टर्स पे भी मैंने शॉपर चढ़ाया हुआ है ताकि उनमें पानी ना जाए, बाकी इधर से सुराख जो है उधर भी शॉपर चढ़ा हुआ है। अब और कहीं पानी घुसता है तो वो मुझे नहीं पता। सो लेट्स सी क्या होता है, होपिंग फॉर द बेस्ट। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.